महाराष्ट्र की राजनीति का ये महा उलटफेर है। राज्य की सियासी जमीन का नक्शा ही बदलता नजर आ रहा है। ऐसा शिवसेना बीजेपी के 30 साल पुरानी दोस्ती टूटने की वजह से हुआ है। शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। पार्टी ने एनडीए से अलग होने का भी ऐलान कर दिया है। बताया है गवर्नर साहब को, लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किया। हमारा क्लेम जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं। शिवसेना राज्यपाल महोदय से मिली, उनसे समय मांगा कि हम अन्य दलों से बात कर रहे हैं, हमें समय बढ़ाकर दिया जाए। लेकिन राज्यपाल महामहिम ने स्पष्ट कर दिया कि हमने आपको 24 घंटे का समय दिया था। विधायकों की दस्तखत जमा करने के लिए समय बहुत कम था। जो राज्यपाल महोदय ने समय दिया उनको उन्होंने मर्यादा खत्म हो गई, इस तरह कह के शिवसेना को जानकारी दी है। हमें भी बुलाया गया है। शायद ही किसी ने सोचा हो कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की थी, वही चुनाव बाद एक दूसरे पर निशाना साधेंगे। 24 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन को महाविजय मिली थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सरकार के फॉर्मूले पर दोनों दलों में दूरियां इस कदर बढ़ जाएंगी। उन्होंने मुझे झूठ कहा, ये इल्जाम मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और पूरी पूरी दुनिया जानती है शिवसेना प्रमुख या उनका बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। अमित भाई से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको यही कहा कि मैं एक ना एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये मेरा वचन मेरे पिताजी को मैंने दिया हुआ है। अगर आपके साथ आकर वो बन सकते तो आपके साथ, नहीं तो आपके बिना। भले ही उद्धव ठाकरे अपने ताजा रुख के पीछे बाला साहब ठाकरे के सपने को वजह बता रहे हों, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। वे न तो कभी मुख्यमंत्री बने और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को ही सीएम की कुर्सी पर बिठाया, जबकि वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे। बाल ठाकरे ने हमेशा हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत करने की बात की। समान विचारधारा की वो जमीन ही थी जिस पर बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की बुनियाद तैयार हुई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना अब अलग रंग में है। बदलाव की पहली झलक तो तभी मिल गई थी जब उद्धव ठाकरे ने परिवार की परंपरा से अलग हटकर बेटे आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतार दिया था। और अब आधे आधे कार्यकाल के लिए दोनों दलों के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले से बीजेपी के इनकार के बाद शिवसेना ने दोस्ती का द एंड कर दिया है। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के वक्त वादा किया था कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन के विजय के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। बीजेपी ने इसे इनकार कर दिया तो शिवसेना ने इसे वचन भंग बता डाला। इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा। और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। ऐसे वातावरण में मैं यहाँ ये पदभा कारोबार करूं, ये उचित नहीं लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया है। यहाँ की जो पार्टियां हैं इस राज्य की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे और कोई पार्टी, ये कोई राष्ट्रद्रोही पार्टियां नहीं है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान से बनी हुई पार्टी नहीं है, इस मिट्टी की पार्टी है। सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का राज्य का और देश की में निर्माण में योगदान रहा है। कुछ मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, इस प्रकार के हमारे मतभेद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति एक बड़े धर्म संकट का सबब बन गई है। जनता धर्म संकट में है कि आखिर उसके जनमत का क्या हुआ? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी धर्म संकट में है कि अपने 30 साल पुराने सहयोगी दल के इस उलटफेर वाले दांव पर आखिर कैसे भड़ास निकाले। सरकार बनाने की राह पर आगे बढ़ चली शिवसेना अंदर खाने धर्म संकट में है कि धुर विरोधी एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद उठने वाले सवालों पर आखिर वो क्या जवाब देगी। हिंदुत्व के मुद्दे पर समान विचारधारा वाले दो दलों की दोस्ती का टूटना सिर्फ सियासत में एक मोड़ की तरह ही नहीं है, दरअसल ये देश की राजनीति में एक अध्याय के खत्म होने जैसा भी है।
आज शिवसेना को ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप कांग्रेस के साथ में क्यों जा रहे हैं या तो कांग्रेस हमारे साथ में क्यों आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, ऐसा कौन सी पार्टी नहीं बची, ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी ना गई हो। एक नाम लूं, मायावती का नाम लूं, वहां मैं ममता बनर्जी का नाम लूं, नीतीश कुमार का नाम लूं, जयललिता का नाम लूं, या तो पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी नाम लूं, महबूबा मुफ्ती, किससे साथ नहीं गए हो। आइडियोलॉजी सिर्फ हमें नहीं, हमने तो 50 साल 52-53 साल तक हमारी आइडियोलॉजी संभाल के रखी, आगे भी संभाल के रखेंगे। शिवसेना ने बीजेपी के साथ सबसे पहले 1989 में गठबंधन किया था। 30 साल पहले पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव मैदान में उतरी थी। इसके बाद 2014 को छोड़कर तमाम चुनाव में दोनों पार्टी ने साथ चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 आते आते सिर्फ दोनों दलों का नेतृत्व करने वाली पीढ़ी ही नहीं बदल गई, दोस्ती की केमिस्ट्री भी बदल गई और आखिरकार 30 साल पुरानी दोस्ती सरकार की अगुवाई करने के सवाल पर टूट गई। ऐसा है, शिवसेना और बीजेपी जो दो पार्टियां हैं, भले इसको कहा गया कि दोनों हिंदुत्व पार्टियां हैं, उसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन दोनों का जो कार्य की जो पद्धति है, काम करने का जो तरीका है दोनों पार्टियों का, वो बिल्कुल अलग है। शिवसेना एक, जैसे कहिए, एक मास पार्टी है, बीजेपी एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें विचारधारा का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है। अगर इतिहास के 3 दशक पुराने पन्ने को पलटें तो शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को सदाबहार दोस्ती कहा जाता था। ये तब की बात है जब बीजेपी को सियासी गलियारे में अछूत माना जाता था। उस वक्त शिवसेना ने बीजेपी के साथ समान विचारधारा की दुहाई देकर दोस्ती की थी। इस दोस्ती की जड़ को बाला साहब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दोनों पार्टियों के नेताओं ने सींचा था। इस मित्रता को भगवा राजनीति का प्रतीक माना जाता था। ये तस्वीरें 21 साल पुरानी है। तस्वीर 1998 की है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान मुंबई में बीजेपी और शिवसेना की महारैली हुई थी। तब उद्धव ठाकरे अपने हाथ में कैमरा लेकर शिवसेना और बीजेपी की साझा रैली की तस्वीरें उतारते नजर आए थे। उद्धव ने बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती की साझा ताकत को कैमरे में कैद किया था। वो इस रैली में उमड़ी भीड़ को कैमरे के पैमाने से नापते दिखे थे। जब उद्धव ये तस्वीरें उतार रहे थे तो मंच पर शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ मौजूद थे। बाला साहब के हाथ में शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष था तो अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में बीजेपी का चिन्ह कमल। उन्नीस सौ 1998 के इस रैली के मंच पर तब लिखा था कि भगवा दिल्ली की तरफ बढ़ चला है। लाल किले के कटआउट के बैकग्राउंड में बने इस विशाल मंच पर मराठी में लिखे ये शब्द कभी बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की पहचान हुआ करते थे। ऐसा लगता है जैसे देश में कोई शासन नहीं है, केंद्र में सरकार है मगर नाम की सरकार है। वसुणा आज जब पद्धति ने लोक आए किसी शांतपणा बसले ऐकता विचार ऐकता विचार पहाय आ। इस दोस्ती की दोनों दल कस्में खाते थे, हमेशा साथ निभाने का वादा करते थे। सालों साल इसी तरह दोनों साथ आगे बढ़ते भी रहे, लेकिन 2 दशक बाद अब ये भगवा गठबंधन टूट गया है। बहुत से ऐसी पार्टियां कल तक ये बातें कर रही थी कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री हम नहीं होने देंगे। अब आपको बताना पड़ेगा हम क्या बोल रहे थे और हम क्या करना चाहते हैं। जो आप बोल रहे थे वो करके दिखाने का समय आज आया है। हम सब एक साथ आकर राज्य को स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन में दरार तो पहले भी आई थी। दोनों दल अलग अलग चुनाव भी लड़ चुके थे। अलग होने के बाद 2014 में दोनों में जबरदस्त गर्माहट भी दिखी थी।
दोनों ने एक दूसरे पर खूब वार पलटवार भी किया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि शिवसेना ने बीजेपी से अलग होकर विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाने का कदम उठाया हो। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी को ये अच्छा लगे न लगे, शायद शिवसेना को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शिवसेना की जो निर्मिति है वो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का भी कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन योगदान है। तो इसलिए शिवसेना जो है वो कांग्रेस एनसीपी का जब जब सरकार रही है शिवसेना बहुत कंफर्टेबल रही है, उनके काम होते हैं, उनके लीडर्स और उनकी दोस्ती है, सब कुछ है। लॉन्ग टर्म में मेरे खिलाफ मेरे मत से शिवसेना को नुकसान ही होगा आगे के। अभी ठीक है कि अभी सीएम पद उनको मिल गया है, लेकिन ये भी कितने 5 साल तक तो सरकार मुझे नहीं लगता रहने वाली है। 1-1.5 साल के बाद स्नैप पोल हो जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि शिवसेना को उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। कभी महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का बड़ा भाई हुआ करती थी, लेकिन बदले हुए वक्त में बीजेपी आगे निकल गई, शिवसेना पीछे रह गई, दोनों के गठबंधन की धुरी ही बदल गई। लेकिन शिवसेना इस सच को कबूल करने को तैयार नहीं हुई। 105 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना ने ड्राइविंग सीट से हटने को कह दिया। चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें, और उस वक्त जो तय हुआ था उसके याद। बीजेपी ने इस फॉर्मूले वाली बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पार्टी ने कहा दोनों दलों की दोस्ती का आधार हिंदुत्व है, अब सब ठीक हो जाएगा। बीजेपी शिवसेना ये हिंदुत्व के मुद्दे पर एक आई हुई हम पार्टियां हैं, हम बार्गेन नहीं करते। ये जरूर होता है कि दोनों पार्टियों की कुछ अपेक्षा होती है, साथ में मिलकर हम उसको तय करते हैं। आप लोगों को पहले लगता था लोकसभा में हमारा अलायंस नहीं होगा, फिर आपको लगता था विधानसभा में हमारा अलायंस नहीं होगा, हम सब ठीक करते हैं, आप चिंता मत करें। बीजेपी को जो यकीन था वो हो नहीं पाया, शिवसेना की नाराजगी बढ़ती गई और आखिरकार शिवसेना ने राहें अलग ही कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।